नमस्कार, इंडियन न्यूज़ एक में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। सराना से अर्पित बुराना की रिपोर्ट। श्री अक्षय राजपूत कर्णी, सेना ने सामान्य वर्ग के व्यक्तियों पर झूठा मुकदमा दर्ज करने के विरोध में ज्ञापन सौंपा। रहिए UBN 08 ताजा खबरों के लिए, बने रहिए UBN 08 के साथ। सराना में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने कायथा थाना अंतर्गत ग्राम काट बड़ौदा में दो सामान्य व्यक्तियों के खिलाफ SC एक्ट में झूठा मुकदमा दर्ज करने के विरोध में स्वरूप श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने सैनिकों में SDOP रविंद्र वर्मा को ज्ञापन प्रेषित किया है। जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है वह झूठा है, पहले उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और उसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो करनी सेना उग्र आंदोलन करेगी। अखिल भारतीय गोरक्षा महासभा द्वारा किस प्रकार का यह ज्ञापन दिया गया है? जो कि ये जो महाराष्ट्र में अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ जो सच बोलने को दबाकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों द्वारा जो उनके निजी आवास को तोड़ा जा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से ये गलत है, इसके विरोध में अखिल भारत गोरक्षा महासभा सराना एवं मध्य प्रदेश में इसका कड़े से कड़े विरोध किया जाएगा। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा किस प्रकार का ज्ञापन दिया गया आपके द्वारा? हमने आज यहाँ पर हमारे एक सामाजिक बंधु हैं ग्राम काट बड़ौदा में जी, के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जी हमारे ऊपर उल्टे जाति सूचक शब्द हम लोगों पर ही करें और झूठा मुकदमा हमारे भाई बंधुओं के ऊपर लगाया है। उसी के संबंध में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना टीम सराना के द्वारा यहाँ पर आवेदन। कौन से थाने का मामला है? ये हमारा कायथा थाने का मामला है और ग्राम काट बड़ौदा का मामला है जी। क्या आपके द्वारा क्या अगर कार्रवाई नहीं की संबंधित खिलाफ तो क्या किया जाएगा? घटनाएं अगर हम देखें तो बहुत सारी हर जगह से मिल रही हैं। सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि SC एक्ट जो कानून है, जिसका जो दलित वर्ग है वो हथियार बनाकर हमारे शरणों पर यूज करते हैं और झूठा मुकदमा दर्ज कराने के बहुत बार सामने ऐसी बातें भी आई हैं कि वो जो भी दर्ज मुकदमा है वो झूठा भी निकला है। इसका अगर सर्वे भी करा के देखेंगे तो बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जो झूठे ही निकले हैं। तो सरकार से भी मैं निवेदन करता हूँ कि इस पर बिल्कुल अमल होना चाहिए और जिस प्रकार स्वर्ण समाज के खिलाफ SC एक्ट को जो ये हथियार बनाकर जो एक कार्रवाई की गई है करते हैं कि हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराने का दबाव बनाकर स्वर्णों को हमेशा डराया जाता है, तो इस कानून को भी एक बार समीक्षा करके इसमें भी परिवर्तन करना चाहिए। पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद में ही इस कानून का उपयोग स्वर्णों के ऊपर किया जाए। इस प्रकार में इस संबंध में हमारे करनी सेना का भी एक उद्देश्य रहा है। हमने इसके खिलाफ भी इतने बड़े बड़े आंदोलन करे हैं, उसमें भी हमने ये मुद्दा उठाया है कि जो भी एसटी एक्ट का कानून में परिवर्तन जो इन्होंने किया है उसमें पहले जांच निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसके बाद जो भी इसमें प्रार्थी जो प्राप्त होता है, जो जानकारी प्राप्त होती है, जो भी इसमें केस से संबंधित जो भी मुजरिम होता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। हम भी सरकार का नियमों का पालन करते हैं, सरकार के जो भी आदेश कानून बना रही उसका हम बिल्कुल दिल से पालन करते हैं, बट पहले जांच हो, उसके बाद में उस पर कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच होनी।